नमस्कार, मैं हूं निखिल। और विधानसभा चुनाव 2023 में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ और उसके बाद मेरे पिक्स पॉलिटिको के पेज पर मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि निखिल जी, अब कभी आप बाड़मेर जाएं और कोटड़ा से गिरधर सिंह मिल जाए तो उनको जरूर पूछना कि चुनावों में जो वो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वो जो वीडियो उन्होंने दिया था वो क्या था। गिरधर सिंह जी, ऐसा क्या मामला था कि लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं, आपने क्या बयान दिया था, वो वीडियो बताया। मेरा एक बयान था, अभी पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि अगर रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय खड़े होते हैं तो कितना नुकसान करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि निर्दलीय अगर खड़े होते हैं तो शिव की जो जनता है या जो हमारे यहाँ की जनता, वो समझदार है। पार्टी बीजेपी सत्ता में आ रही तो सत्ता के विरोध में वोट नहीं देंगे और नुकसान ज्यादा से ज्यादा दो चार हजार का ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जनता ने ज्यादा वोट दिए उनको। आपका राजनीतिक अनुभव कम था या आपका आकलन गलत निकल गया? नहीं, हमारा राजनीतिक अनुभव तो कम नहीं था, लेकिन हमारे आकलन को मैं सबसे ज्यादा मेरी जो हुई भूल हुई है, मैं मीडिया को नहीं पहचानता। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो उनको पीछे से जो बैकअप दिया, किसको? रविंद्र सिंह भाटी। मीडिया का क्यों? मीडिया का काम बैकअप देना थोड़ी है, मीडिया का काम है अपना काम करना। रही बात सोशल मीडिया की, तो हर पॉलिटिशियन, देखिए गिरधर सिंह जी, हर पॉलिटिशियन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। नहीं, बहुत ज्यादा उनका जो मीडिया है। उनका जो मीडिया और उनके साथ जो यंग लोबी जो लगी जी, उनके साथ फिर तो एंड में तो ये पोजीशन हो गई थी कि अब बाकी सारे कैंडिडेट उनसे पीछे रह गए थे, तो फिर जनता ने भी सोचा भी बाकी तो हार रहे हैं तो जीत गए। जो जीतना है वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेगा, नहीं वो तो अपनी आईटी करेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बना, वो आपका बयान कहीं कहीं परिणामों के बाद जनता ने झुठला दिया। जनता ने झुटला दिया, ये बात तो सही है, बिल्कुल झुटला है। और उसका मतलब, मेरा जो कहने का मतलब था, मैंने कहा आप जो जीत गए हैं, तो अब आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मेरा तो परिवार का आदमी है, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव भी है। और देखो, पार्टी के हिसाब से तो हम लोग अपनी पार्टी की बात करेंगे, आगे भी अगर वो पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है, अगर नहीं आते तो हमारी पार्टी की जनता ने कर कमाल दिया। शिव की जनता कमाल तो खैर किया तो किया ही है, लेकिन शिव की जनता के मेरी बात सुनो, स्वतः ही लोगों में था। शिव की जनता ने 30% वोट उनको दिए और 70% वोट उनके खिलाफ दिए। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा कैंडिडेट होने के कारण और हमारे बीजेपी के साथ लोगों का जुड़ाव कम होने के कारण जरूर हमारा आकलन थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आने वाले समय में इन गलतियों को सुधारेंगे। बहुत गलत, पूरा ही गलत हो गया आपका आकलन तो। होता रहता है, देखो इलेक्शन है। चलिए, मैं मानता हूँ चुनाव है। खैर, ये पिक्स पॉलिटिको, चूंकि हम एक संजीदा पत्रकारिता करते हैं, मेरे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप कभी बाड़मेर आए तो गिरधर सिंह कोटड़ा ने जो विधानसभा 2023 के चुनाव में जो मौजूदा विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनको लेकर कुछ बयान दिया था, उनको पूछना जरूर कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के बाद में जो परिणाम आए वो परिणाम बिल्कुल विपरीत आ गए। चलिए, हमने लोगों की डिमांड पर आपसे बातचीत की गिरधर सिंह जी, पूरी उम्मीद करते हैं शिव आप उनके साथ रहें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ते हैं। देखो, वो निर्दलीय तब तक तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, साथ जरूर हमारे है वो,